औस बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिक अल मुनीर लकद नुवर अल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा का ना हक्कहू बा अदज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है बस उन्हीं की मेहरबानी है। और नाते महबूब दावर सनद हो गई, फरदेसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी है आगोश रहमत में, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद मुल्क पाकिस्तान की बहुत अजीम शख्सियत नन्ना सना खान, सना खान रसूल, बुलबुल बाग मदीना, जनाब हाफिज़ मोहम्मद तैयब कादरी साहब। जी तैयब साहब, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आज आप क्या सुना रहे हैं हमें? जी मैं एक नात आपके समातों की नज़र कर रहा हूँ। ये ऐसी नात है कि इस नात से मुझे पूरे पाकिस्तान में जो है अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। जी माशा, तो मेरे एल्बम की फ़र्स्ट नात थी ये, तो इंशाल्लाह मैं आज ये पेश करूँगा। जी जी माशा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि या हबीब बल्ला। मैं तो खुद के दर का गदा हूँ, मैं तो खुद के दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। आने वाली है उनकी सवारी, घर घर सजा दो, फूल नातों के घर घर सजा दो। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्मे जला दूं, और बेनिगाही पे मेरी न जाए दावर, मेरे नजदीक आए दीदावर, मेरे नजदीक आए। मैं यहीं से मदीना दिखा दूं, देखने का सलीका बता दूं, मेरी बख्शिश का सामा यही है, और दिल का भी अरमान यही है। एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं, अब तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। तो आंखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं।